लीनिया चैनल के साथ मैं हूं श्रवण छोड़ीनाथ। मैं मौजूद हूं शेरेकाई के इलाके खारा दरबे। यहां जो है बहुत सारे खाने आपको टेस्ट कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक टेस्टिंग की तरफ लेके जा रही हूं। वो है कराची का मशहूर बर्गर। कौन सा बर्गर है? मिर्ची बर्गर। मिर्ची बर्गर का आइडिया कैसे आया और क्या कौन से लवाजमात इस पर डाले जाते हैं और लोग कहाँ कहाँ से इसको खाने आते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बर्गर के शेफ, इनसे जानूंगी ये आइडिया कैसे आया और कहां कहां से लोग इसको खाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआ है आपके लिए। ये बताइए कि मिर्ची बर्गर का आइडिया कैसे आया? ये बाजी हम लोग का जो सेठ है 28 साल हो गए उसके इंतकाल हो गया। अच्छा। अभी भी उसका घर वाली माल बनाते हैं। अच्छा। और हम लोग इधर निकाल के दे रहे हैं। 52 साल से ये मिर्ची बर्गर तैयार किया जा रहा है जी। लोगों को मिर्ची नहीं लगती? वैसे कबाब में मिर्ची होती है, चटनी में मिर्ची होती है। नहीं नहीं, ये चटपटा होता है। तो मिर्ची को क्यों डाली गई वजह? ये तो जो हम लोग का सेठ मर गया नहीं, वही रखता था, उसी को ही पता होगा, आपको तो पता ही नहीं है। मतलब इनका कहना है यार करके गए थे कि मिर्ची बर्गर, और उन्हीं को ही पता था कि ये आइडिया कैसे आया, क्यों मिर्ची लगाई गई। लोग इसको कहाँ कहाँ से खाने आते? दूर दूर से लोग आते हैं इधर खाने के लिए। कोई 10 साल का बाहर आते हैं, कोई 20 साल का बाहर आते हैं, कोई 25 साल का बाहर आते हैं। जब हम लोग से पूछते हैं कबाब रोटी बोलते जायका, वही का वही जायका। कितने बजे ये लगाते हैं? सुबह को 10 बजे लगाते हैं, रात को 9:30 बजे तक बोलते हैं। 52 साल पहले इसके प्राइस क्या थे? हम इधर काम किया था तो 100 रुपए का बन कबाब था। आपकी कितनी उम्र थी जब आप आए थे? मैंने तो 12-13 साल। 12-13 साल की उम्र में ये भाई आए थे, अपने सेठ के साथ इन्होंने काम किया था। 4-8 आने का था ये बर्गर। कितने का है अभी? तो 70 रुपए का। 70 रुपए का। ये मिर्ची में क्या मिला रहे? कुछ भी नहीं मिला रहे, खाली अंडा डाल के ऊपर घी लगा देते हैं। और क्या क्या होता है? और कुछ भी नहीं होती है, दाल आलू मिर्ची। कबाब कौन सा है? आलू दाल होता है। और इसके साथ क्या दे रहे हैं? नाज़रीन देख सकते हैं, हरी मिर्ची डाली गई, चाट मसाला, ग्रीन चटनी और प्याज। मिर्ची जो है देख सकते हैं नाज़रीन, कबाब के ऊपर लगा के देते हैं, अलग से नहीं देते। अलग से भी देते, किसी को अलग से चाहिए तो अलग से भी देते हैं। यहाँ से कोई आदमी निकलते बोलते मिर्ची दे तो हम उसको ऐसे भी दे देते। अच्छा, ऐसे भी लोग मिर्ची लेके जाते हैं। कौन सा बर्गर है? सॉफ्ट बर्गर है, कड़क बर्गर है? कड़क बन भी है और नरम बन भी है, देख सकते हैं। प्लेटर तैयार हुआ है जबरदस्त सा, अगर मेरा कैमरा दिखा रहा हो, खूब इसके अंदर चाट मसाला, कबाब और हरी मिर्च डाली गई है, वो भी फ्राई वाली जबरदस्त सी। और ये आप दाल के साथ और ऊपर से मिर्ची आ गई, आप दाल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कहना है कि लोग इस मिर्ची को ऐसे भी लेके जाते हैं क्योंकि मिर्ची जो है खाली अंडे में मिक्स करके तली गई है। मिर्ची बर्गर को टेस्ट करने की, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मिर्ची बर्गर का जायका कैसा है। तो चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। ओहो, मैं तो इस बर्गर को खाते ही घूम गई हूँ और जिसको खाते ही आ रहा है वाह, मिर्ची का अपना जायका, बर्गर का अपना जायका और साथ साथ ये जो चटनी है उसके ऊपर चाट मसाला डाला गया उसका तो अपना ही जायका है। अगर आपका कभी भी खाने दर में चक्कर लगे तो जरूर मिर्ची बर्गर को टेस्ट करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान सरोवर छोटी को दीजिए इजाजत, देखते रहिए डेली नया।